समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है, यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की, और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है, इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र, क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। ये लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य और हर भविष्य की तकदीर है। इसीलिए मैं कभी गुरु, कभी मां और कभी ऋषि बनकर हर नई पीढ़ी को इस कहानी द्वारा उसे अपने इस महायुद्ध के लिए तैयार करता रहता हूं। ये कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में शुरू होती है। दिग्विजयी चक्रवर्ती महाराज की, 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 दिग्विजयी चक्रवर्ती महाराज की। भरत की बड़ाई केवल इसमें नहीं कि उसने हस्तिनापुर राज्य की सीमाएं हिमालय से सागर तट तक फैला दी थी, और हमारा ये महान देश उसी का नाम लेकर भारतवर्ष कहलाया। महाराज भरत की बड़ाई इसमें भी है कि उन्होंने ठीक अपने राज दरबार की मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला और जन्म और कर्म के बीच में एक रेखा डालकर ये कहा कि जीवन का अर्थ जन्म नहीं, कर्म है, क्योंकि कुरुक्षेत्र वास्तव में धर्म क्षेत्र है। महाराज की जय हो। आज हस्तिनापुर की सीमाएं हिमालय से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैल चुकी हैं। आर्यावर्त भारतवर्ष कहलाने लगा है। महाराज, समय आ गया है कि आप अपना युवराज नियुक्त कर दें। महामंत्री, ये घोषणा चंद्रवंशियों के पूर्णिमा समारोह में की जाएगी। सुना है तुम कहीं जा रहे हो पुत्र? हाँ माते, युद्ध से लौटा हूं, सोचा महर्षि कण्व के दर्शन कराऊं। उन्हें महर्षि नहीं, नाना कहो पुत्र। मैं उनकी पुत्री तो नहीं हूं, परंतु मेरा पालन पोषण उन्होंने किया है। मेरी ओर से भी उनके चरण छू लेना और उनसे कहना कि वो तो अपनी पुत्री शकुंतला को भूल ही गए। अवश्य माते, अवश्य, आज्ञा है। चिरंजीवी भव।
आओ शकुंतला पुत्र। प्रणाम महर्षि। आशीष, शकुंतला कैसी है वत्स? स्वस्थ है ऋषिवर, उनका प्रणाम तो सदैव आपके चरणों में रहता है, परंतु यह कहलवाया है कि पिताश्री तो जैसे पुत्री को भूल ही गए हैं। अब तू वो पूछ ले जो तू पूछने आया है। समस्या ये है कि मैं तो 9 पुत्रों का पिता हूं, परंतु युवराज किसे बनाओ ऋषिवर? इस प्रश्न का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर विजय पाने वाले भरत ने अभी तक स्वयं पर विजय नहीं पाई, और यदि तुम स्वयं पर विजय नहीं पाओगे तो न्याय भी नहीं कर सकोगे। इसलिए जाओ, स्वयं पर विजय पाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चिरंजीवी भव। हस्तिनापुर चंद्रवंशियों के प्रताप से जगमगा रहा है, और आज राज दरबार में स्वयं इतिहास सांस रोके खड़ा है और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जो हस्तिनापुर को उसका युवराज देने वाला है। यह है महाभारत की अमर कथा का पहला अनलिखा पन्ना। सावधान, 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 धर्म ध्वज रक्षा, प्रजा पालन, न्यायमूर्ति हस्तिनापुर नरेश, चक्रवर्ती महाराज भरत पधार रहे हैं। प्रणाम। महामंत्री, मैं दुष्यंत पुत्र भरत सबसे पहले अपने शूरमाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने हस्तिनापुर को आर्यावर्त की सीमा की अंतिम रेखाओं तक पहुंचा दिया। और मैं आभारी हूं हस्तिनापुर की प्रजा का, जिसने अपने आशीर्वाद के साथ साथ मुझे अपने सपूत दिए, जिनमें से कुछ हमारे साथ लौट नहीं पाए। मैं उनके माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और आज इस राज सिंहासन से यह घोषणा करता हूं कि कोई राजा अपने देश और अपने देश के जन समुदाय से बड़ा नहीं होता। राजा के केवल 3 कर्तव्य होते हैं, देश और जन समुदाय को न्याय देना, उनकी रक्षा करना, और किसी ऐसे व्यक्ति को युवराज नियुक्त करना जो देश और प्रजा को न्याय भी दे सके और उनकी रक्षा भी कर सके। मुझे खेद है कि मैं अपने किसी पुत्र में यह गुण नहीं पाता। इसलिए मैं भारद्वाज भुमन्यु को अपना पुत्र मानकर उसे युवराज नियुक्त करता हूं।
प्रणाम माते। चिरंजीवी हो माते, आप चिंतित लग रही हैं। मैं चिंतित इसलिए लग रही हूं कि मैं चिंतित हूं। कारण माते? नातों के इतिहास में तुम पहले पिता हो जिसने अपने पुत्र का अधिकार किसी और को दिया है। तुम कैसे पिता हो पुत्र? मैं एक ऐसा पिता हूं माते, जो केवल पिता ही नहीं एक राजा भी है। पुत्र फिर भी पुत्र होता है भरत। आप मां हैं, ममता ने आपको विवश कर दिया है। मैं राजा हूं, न्याय ने मुझे जकड़ रखा है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है माते, और फिर मैं जिसे युवराज नियुक्त करने जा रहा हूं वो भी तो मेरा ही पुत्र है, क्योंकि वो मेरी ही प्रजा में से एक है। सारा जन समुदाय मेरा परिवार है। यदि मैं अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दूं तो ये राज्य और प्रजा दोनों के साथ अन्याय होगा। राजमाता, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके पुत्र ने न्याय किया है। परंतु भारत की राजनीति की धरती पर लोकतंत्र का ये जो अंकुर फूटा था वो कुछ पीढ़ियों बाद हस्तिनापुर नरेश शांतनु के शासनकाल में मुरझा गया, जब जन्म को कर्म से बड़ा माना गया और वर्तमान को एक अनजाने भविष्य के दांव पर लगा दिया गया।